हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट गिटार क्लासेस फॉर द बिगिनर्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये बिगिनर्स को इन क्लासेस से काफ़ी बेनिफिट होगा। हम जो है बेसिक्स डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एनाटॉमी ऑफ अकूस्टिक गिटार डिस्कस करेंगे, जिसमें बेसिक पार्ट्स जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एंड आई होप सो कि काफ़ी यूजफुल होगा। सो लेट स्टार्ट। बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं बेसिक गिटार के। हमारी तरह इंसान के साथ कंपेयर कर लें तो मेमोराइज करना इजी, हेड, नेक एंड बॉडी। अब हेड में, ये हेड को हेड भी बोला जाता है, हेड स्टॉक भी बोलते हैं। उसके बाद ये आपको सिक्स कीज नज़र आ रही हैं जिनसे गिटार ट्यून किया जाता है। स्ट्रिंग को टाइट या लूज हम करते हैं, इनको ट्यूनिंग कीज या ट्यूनिंग पेग्स बोला जाता है। तो उसके बाद ये आ जाता है हमारा नट। नट जो है आपको वो डिफरेंट मटेरियल्स में, प्लास्टिक में भी मिलता है, फिर ये बोन में भी होता है, फिर मेटल में भी होता है। बेसिकली स्ट्रिंग्स इसी की वजह से यहाँ से रेज है, नेक के साथ अगर अटैच होता है तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। नट के बाद ये नेक आ जाती है। नेक पे आपको कॉलम्स नज़र आ रहे होंगे, इनको बोला जाता है फ्रेट। फ्रेट्स बेसिकली साउंड इनमें ही चेंज होता है इस तरह, मतलब आप हेड से बॉडी की तरफ जाते हैं तो पिच इसकी इंक्रीज होती जाती है। नंबर वन फ्रेट ये होता है, सो ऑन चलते जाते हैं 1 2 3 4। उसके बाद ये पूरा जो बोर्ड ऊपर लगा हुआ है फ्रेट्स वाला, इसको फ्रेट बोर्ड बोला जाता है। फिर ये आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे, इनको बोला जाता है पोजिशन मार्कर्स। जो बिगिनर्स हैं उनको पोजीशन मार्कर्स के थ्रू काफ़ी बेनिफिट होता है, मेमोराइज करना इजी हो जाता है। जो टैब्स वगैरह बजाने हैं, कॉर्ड्स की शेप्स आपने सीखनी है, तो ये यहाँ टॉप पे भी लगे होते हैं। तो जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो टॉप वाले यूज़ करना चाहिए, सामने वाला कंफर्टेबल नहीं होता। वो बिगिनर ऐसे ऐसे करके देख लेते हैं तो वो फोकस करना बाकी चीज़ों पे और ये शेप्स याद करना फिर मुश्किल हो जाता है। तो बेस्ट ऑप्शन ये कि आपने टॉप वाले याद करने। उसके बाद आ जाए हमारी ये बॉडी। बॉडी को बॉडी भी बोला जाता है, साउंड बॉक्स भी बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटल बॉडी भी बोला जाता है। ये इसका टॉप होता है बॉडी का, ये बैक है, ये साइड्स हैं और ये गिटार के रिब्स आ जाती हैं। फिर हमारा ये साउंड होल होता है। उसके बाद पिक गार्ड ये बेसिकली जब हम पिक से बजाते हैं तो स्क्रैच पड़ जाते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, पिक गार्ड प्रोटेक्शन के लिए होता है। नॉर्मली ये गिटार्स के ऊपर आपको नहीं मिलता, जो ब्रांडेड गिटार्स हैं उनमें मिल जाता, वरना ये कि आप सेपरेटली लेके भी लगा सकते हैं। गिटार की प्रोटेक्शन भी हो जाती है और गिटार की ब्यूटी भी बढ़ जाती है। उसके बाद ये आ जाता है हमारा ब्रिज। ब्रिज के ऊपर ये वाइट वाला जो है इसको सैडल बोलते हैं। फिर ये जो सिक्स लगनी है पिन, बेसिकली स्ट्रिंग्स को इन्होंने ही होल्ड किया, इनको ब्रिज पिन या स्ट्रिंग पिन बोला जाता है। और ये हमारी स्ट्रिंग्स है और ये टेल एंड या इसको स्ट्रैप होल्डर बोला जाता है। ये नॉर्मली बैक साइड पे लगा होता है। वैसे बेस्ट ऑप्शन है कि इस तरह एक और लगवा लिए जाए, ज़्यादातर गिटार्स पे आपको ये नहीं मिलता, कम पे लगा होता है। कुछ लोग इधर थ्रेड वगैरह धागा वगैरह यूज़ करके स्ट्रैप लगाते हैं, वो बेस्ट ऑप्शन ही होता है। ये दिस इज़ द बेस्ट क्योंकि इसमें ना लेंथ स्ट्रैप की बढ़ जाती है आपके लिए। तो यहाँ तक जो है हमने डिटेल में बेसिक पार्ट्स को डिस्कस कर लिए। अब जो कॉमनली यूज होने वाली चीज़ें हैं वो ये है कि आपको फ्रेटबोर्ड के नंबर्स, पोजिशन मार्कर्स, फिंगर नेम्स और स्ट्रिंग नेम्स, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो पोजीशन मार्कर्स जो मैं बता रहा था आपको बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, वो ऐसे कि टैब्स टर्म होती है। टैब्स बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग्स के नंबर्स लिखे होते हैं। आप गूगल करके कोई भी गाने की ट्यून सर्च करते हैं, गिटार टैब्स फॉर दिस सॉन्ग, तो वो फ्रेट बोर्ड के नंबर लिखे होते हैं कि इस स्ट्रिंग पे आपने ये वाले फ्रेट्स प्ले करने हैं, तो आउटपुट में आपको वो वाली जो है ना ट्यून हमें मिल जाती है। मैं आपको एंड पे वो एक एग्जांपल दूंगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे स्ट्रिंग नेम्स। नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है वो नीचे से याद रखिए कि स्टार्ट होते, ये नीचे वाली होती है E1, फिर B2, फिर G3, फिर D4, A5 और E6। पहली भी ई है, लास्ट भी ई है। नंबर 1 2 3 4 5 6
और नाम है इनके ई बी जी डी ए एंड ई। इसको मेमोराइज करने के लिए डिफरेंट गिटारिस्ट जो हैं डिफरेंट सेंटेंसेस यूज करते हैं, जैसे जिन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ी है उसमें था, उसी तरह इसके लिए सेंटेंस एक बनाया गया जो मैं यूज करता हूँ, वो है एवरी ब्यूटिफुल गर्ल डिजर्व्स एन आई, ई फॉर एवरी, बी फॉर ब्यूटिफुल, जी फॉर गर्ल, डी फॉर डिजर्व्स, ए फॉर एन एंड ई फॉर आई, ई बी जी डी ए एंड ई। उसके बाद आ जाते हैं हमारे फिंगर नेम्स, पिंकी, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स एंड थंब। पिंकी, रिंग फिंगर, मिडिल, इंडेक्स एंड थंब। नंबर्स भी यूज होते हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री एंड फोर। अब नंबर फोर आप सोच रहे होंगे कि इसका नंबर क्यों नहीं है। अब नॉर्मली जो गिटारिस्ट है ना वो यही फोर जो फिंगर है ना यही हम फ्रेटबोर्ड पे यूज करते हैं। कुछ गिटारिस्ट हैं वो जो जैज कॉर्ड्स में या फिंगर पिकिंग स्टाइल में थंब का भी यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है, जरूर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और एक बेस्ट ऑप्शन है कि ये सारी चीजें आप अपना खुद टेस्ट लें, जब आपको एश्योरिटी हो जाए तो इसको आप प्रैक्टिस में रखें तो होपफुली बहुत मुश्किल नहीं है, ये आपको पार्ट्स वगैरह सारे और स्ट्रिंग्स के नाम याद हो जाएंगे। अब मैंने आपको टैब्स का कहा था, एग्जांपल आपको देता हूँ, जैसे शेप ऑफ यू सॉन्ग है, उसके टैब्स हैं जी स्ट्रिंग पर हम बजाते हैं 6-9। अब पोजीशन मार्कर्स को मैंने आपको कहा था, मतलब वो हेल्पफुल होगा, वो हेल्पफुल ऐसे होता है, पोजीशन मार्कर्स नॉर्मली गिटार के ऊपर, इसके ऊपर स्किप है, ये स्टार्ट होते हैं फ्रेट नंबर 3 से, 3 पे होता है, फिर उसके बाद 5 पे, फिर उसके बाद 7 पे, फिर 9 पे, फिर 12 पे, ये आ जाता है 15 और 17। अब जो बिगिनर्स हैं उनको यहाँ 12 तक काफ़ी है अगर आप याद कर लें, लेटर ऑन वो भी इतना मुश्किल नहीं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको पता होना चाहिए। अब इनको कैसे आपने याद करना है, ये 3, 5, 7, 9 ऑड नंबर हैं और 12 जो है वो ईवन नंबर आ जाता है, डबल डॉट यहाँ पे लगा होता है। इसके थ्रू अब फ्रेट बोर्ड की नंबरिंग आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। जैसे अभी अब शेप ऑफ यू की एग्जांपल करने लगे हैं, इसमें था 6-9, अब अगर मैं बोलता हूँ फ्रेट नंबर 6 बजाना है तो आप काउंट करके टाइम अपना काफ़ी कंज्यूम करेंगे, तो वो फिर इस तरह मुश्किल हो जाता है। कंपैरेटिवली ये इजी, जब 7 आपको पता है तो पीछे वाला 6 है। अब यहाँ पे हम बजाते हैं 6-6-9, उसके बाद है 6-6-9, अगेन 6-6-9, उसके बाद 6-8-6-4। तो अब ये ट्यून इस तरह बजेगी, के सबको यहाँ पे जो मैंने चीजें अभी समझाई हैं क्लियरली समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी चीजें जो मैंने एक्सप्लेन की हैं अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और होपफुली वी विल कंटिन्यू ये चीजें, हम इसको डिटेल में डिस्कस करते रहेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।